अंदरों बोलता है, अंदरों रब बोलता है, अंदरों गुरु बोलता है, उहदा नां असीं इनर वॉइस रख रहे हैं। यस, अज दे सैमीनार च असीं इही तां समझण दा जतन कर रहे हैं। इतना स्लोली स्लोली असीं तुर रहे हैं। कबीर साहब की कहिंदे ने डायग्नोस करन वास्ते की कहिंदे ने, कहिंदे ने साईं मुझ में क्या खता, मुखो ना बोले पीर, हज काबे होए होए गया केती बार कबीर। मैं तो तीर्थ स्थाना ते गया, पिलग्रिमेज की, धर्म दियां गल्लां पढ़िया, धर्म ग्रंथ पढ़े, इतना कुछ पढ़ पढ़ गड्डी लद्दियां कर लिया, इतना ज्ञान इतनी नॉलेज कट्ठी कर ली, सब कुछ कर लिया, मेरे अंदर की खता है जो मैं अपने अंदर दे साई की आवाज नहीं सुन पाता। वो मेरा बोलता नहीं है साई, मेरा अंदर का पीर बोलता नहीं है। साई मुझ में क्या खता है, मुखो ना बोले पीर, मेरे अंदर का पीर बोलता नहीं है। पीर बोले तो मेरे अंदर का झगड़ा खत्म हो सकता है। पीर प्रतीक है झगड़ा खत्म करन दा। सो कबीर साहब कहते हैं साई मुझ में क्या खता है, मुखो ना बोले पीर। पूरे श्लोक दसना चाहते ने कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर। मैं धार्मिक स्थाना ते पिलग्रिमेज और यात्रावां बड़िया कीतियां, तीर्थां ते गया, धर्म ग्रंथ पढ़ ले, सब कुछ कर लिया, पर मेरे अंदर की कमी है, फिर आई एम मिस्टेकन, की फ्लॉ है जो मैं अंदर दा पीर मेरा बोलता नहीं है। साई मुझ में क्या खता, मुखो ना बोले पीर। कबीर साहब डायग्नोस कर रहे ने, समझा रहे ने, कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर। असी सब ने धार्मिक स्थान ग्रंथ पढ़े सुने, कीर्तन दरबार सुने, अखंड पाठ कीते, कितना कुछ कीता, तीर्था स्थाना ते गए, सब कुछ कर लिया, अंदर दी आवाज ते असी सुनते नहीं। अंदर ते बोलता है, उसका नाम सी रब जी दी आवाज कह रहे हैं। जे अंदरों बोलता है कि भैड़ कर लो, अंदरों बोलता है कि यह करो तो पाप है, करो तो पुण्य है, ये सब ओपीनियंस ने, यह इनर वॉइस नहीं है। अंदरों मैनू सुचज्जी सुखी सदीवी खेड़े वाली आवाज आंदी है, वो मेरा पीर बोलता है कि नहीं। कबीर साहब कह रहे साई मुझ में क्या खता है, मुखो ना बोला पीर। प्रसाद संघ जैसी सब जानते हैं बोलता है, असी सब जानते हैं कि वह सुत्ता नहीं है, सतगुर जागता है देव। असी सब जानते हाँ दिन होवे रात होवे केड़ी मर्जी सदी होवे केड़ी मर्जी रुत होवे, वो हमेशा अंदरों बोल रहे हैं, पर मेरे मन दी तूती बजाण दे कारण मैं उस इनर वॉइस नू सुनदा नहीं हाँ। धर्म ग्रंथां नू सुनना इनर वॉइस नहीं होंदा, धर्म ग्रंथां नू पढ़ लेना और तीर्थां ते चले जाना और उत्थे जाके काशवाणी होई सी, इन्हां नू इनर वॉइस नहीं कहंदे ने। एक बारी रब की आकाशवाणी हुई सी, उन्हें इंज किया सी, इंज किया सी, इन्हां सब गल्लां नू नहीं कहंदे ने। दरअसल मेरे अंदर रब है, सतगुर जागता है दियो, मेरे अंदर बैठा रब, मेरा हर प्रभ अंतर बैठा देखे जियो। अंदर राजा तखत है ते रब जी बैठे हुए ने, मैनू मेरे मन नू उत्थे उहदे नाल मर्ज करना है, वह गुर ते महल प्राप्त करना है, ताकि उत्थे आ जावे मेरा मन ते गुरते मैल प्राप्त जिस लिखिया होवे मत, जे वो प्राप्त हो जाए नानक बद्दा घर तां जिथे मृत ना जन्म जरा, जे मैनू वह घर प्राप्त हो जाए तो उत्थे मेरा सतगुर जाग रहा है, उत्थे मेरा रब जाग रहा है, उहदी आवाज हमेशा आ रही है। मेरी गलती दे कारण साईं मुझ में क्या खता है, मुखो ना बोला पीर। वो बोलता है, दरअसल मैं नहीं सुनता।
वो बोलता है, वो जाग रहा है, दरअसल मैं सुत्ता हाँ। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पिया भिखारी। मैं राजा हाँ, मेरा मन राजा है, असी सब जानते हाँ। इस गल नूं असी बहुत वारी डिस्कस कर चुके हाँ, साड़ी बॉडी मुथाज है मेरे मन दी। पिछला सैमीनार तुसी रिलेट करोगे, सुरत मत मन बुद्ध, ये सब दे विचकार मन राजा, और एदी जिस पासे सुरत, जे सुरत करके ही सुत्ता होया है, अंदर खजाना है, अंदर प्रकाश है, सबै कट राम बोले है, कट कट में हरजू बसे है, सब मैं जो जोता सोए, तिस दे चानण सब मैं चानण होए। अगे कहंदे ने गुर साखी, गुरु की सिक्ख्या नाल जोत प्रगट हो सकती है, तो मतलब जोत है, अंदर सुनिया है, अंदरों आवाज आती है, पर मन राजा जी सुते हुए ने। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन नींद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्मात। अपने मन के ख्यालों के कटक कुटम के नाल अटैचमेंट रखी हुई है, सुता हुआ है। ईवल्स के कारण खुश पर है नहीं, ईवल्स नू सुख समझ रहा, कंफर्ट जोन समझ रहा है, पर है नहीं। सो बिना इनर वॉइस सुनिया, मन ने मेरे अंदर की धरती नू नरक बनाया हुआ है। बिना इनर वॉइस नू सुनिया, मेरा मन सुखी होना चाहता है पर दुखी है, चिंता फिकर च है। क्यों? क्योंकि मेरा मन सुत्ता है। मन सुत्ते नू कहंदे ने जाग रे मन जागन हारे। मन सुत्ता इस करके इनर वॉइस नहीं सुनता। रब जी नू गुरु जी नू सवेरे जगाता शामी सुला लिया, इन्हां गल्लां दी गल नहीं चल रही। ना रब दे सवेरे शाम सौंदा है, ते ना सतगुरु सवेरे शाम सौंदा है। मेरे अंदर दा है, पर मैं हर वेले ही सुत्ता रहिंदा, दिन रात सुता रहता, को मद मस्त हाँ मैं, मन सोया माया बिस्मात। जे मन सुता है ना, ता अंदरों पीर ते बोलता है, कबीर साहब कहते मैं नहीं सुनता। इच्छा सुख मिल रहा दुख, इच्छा खेड़ा खुशी मिल रही है उदासी, चिंता फिकर। एदा मतलब इच्छा चंगी है, पर इच्छा पूर्ण करन वास्ते कंडे बीजदा है, इच्छा पूरी करन वास्ते नेगेटिव्स दा, ईवल्स दा, इमोरल मलेशियस थॉट्स दा सहारा लैंदा है। चांदा सुख है, एप्लीकेशंस गलत यूज करता है, इनर वॉइस सुनदा नहीं है। क्यों? कबीर राम नाम जाने हो नहीं, पालियो कटक कुटंब, अवगुणा दे तंदे विच तंदे ही मैं मर गयो। बाहर पई ना बंब, अंदर दी आवाज सुनाई नहीं देंदी, इच्छा सुख पांदा दुख है, क्योंकि वाइसिस दी एप्लीकेशंस यूज करता है, मन दे ख्यालां दी अप्लाई करता है। दुखी दुखी रहिंदा है, कंडे बीजदा है, बसंत चढ़दी ही नहीं है, इस मन को बसंत ही लगे ना सोए, मन खिड़िया हरिया बाग बनता ही नहीं है। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, तरवर पार जात रुख बनाना है, अंदर लगाना है। वो तरवर जे मैं बीज नहीं बोंदा, ता खोट कमांदा हाँ, जे हाँ बीजदा हाँ, किकर बीजे जट, देखो ना उल्टा हो गया। लोड़ है डाक बिजोरियाँ, इच्छा ते चंगी है, लोड़ है डाक बिजोरियाँ, किकर बीजे जट, पार जात रुख बनाना सी ना अंदर, मन खिड़िया रहा बाग बनाना सी ना, कबीर ऐसा बीज बोए जो बारह मास फलंत वाला लगाना सी ना, साध बसंत दा लगाना सी ना, आज हमारे ग्रह बसंत बनाना सी ना। कर सब कुछ उल्टा लिया, इच्छा पूर्ति लई वाइसिस नू यूज किता, नरक बन गया।
बनाना स्वर्ग सी हो गया उल्टा, लाना पारजात रुख सी इच्छा पूरिया करन वाला ला दिता सिंबल रुख, ला दिता फल फिक्के फुल बक बक्के वाले पेड़, ला दिता किक्कर, ला दिते बेरी दे कंडे। इंज करद्या करद्या सदीवी दुखी हो गया। सदीवी दुखी दी निशानी है कि असी पल पल शरीरक मरण तो डरदे हाँ, शरीरक चिंता फिकर दे कारण असी पल पल मरण तो डरदे हाँ। बॉडी कॉन्शियस, आज प्राणी क्या मेरा क्या तेरा शब्द की गहराई जावेंगे ना, ये सारिया जितनिया गल्ल असी सांझ कर रहे ना ये समझ आ सकती हैं, पर जे मैं इनर वॉइस सुन लवा ओदे मार्ग ते टुर पवा, गुण कह गुणी समावणिया मेरा राजा मन जे ओदे नाल इकमिक हो जाए ना, तो अंदर दा रब, अंदर दे गुरु की आवाज़, अंदर दा स्वर्ग, अंदर दा पैराडाइज प्राप्त होया, वो मानो मेरी इच्छा पूरी हो गई, वो मेरा पारजात रुख लग गया, मेरा मन सुखी हो सकता है, गुण कह गुणी समावणिया हो सकता है। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे सम्माना हो सकता है। बस इनू क्या है, मन की मत त्यागो हरजन हुकम बूझ। हुकम बूझ की है इनर वॉइस, हुकम बूझ सुख पाई है रे, सुखी हो सकते हैं। सो मन राजा जी नू जगाना है, मन राजा जी दे कन खोलने ने, मन राजा दियाँ अखा खोलनिया ने, मन राजा जी दी जीव नू सच दा रस लैण वास्ते जगाना है। इनर वॉइस सुननी है, इनर वॉइस अमृत है, पी लिया ता मेरी जीव ता मेरी मत बिखे बन फीका त्याग री सखिए नाम महारस पियो। पॉइजनस थॉट्स छड़ना मेरे मन राजा जी जागो, सच दी आवाज भी सुनो, वो बाहरों किधरों नहीं आनी, किते ग्रंथा च नहीं लिखी हुई। जे तुसी ग्रंथ पढ़ते हो मेरे मन राजा जी तो ग्रंथ सद जी सद के पढ़ो, पर सीखना एवे मैं अंदर दी आवाज़ किवें सुना, मैं अंदर दा महल किवें प्राप्त करा ताकि मैं तुर की बाणी सुनाई दे सके, ताकि मैं जींदे जी रब जी दे देश जा सका। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां मनो मचंदड़ियां, मन दे मन दे ख्याल सुन नहीं दे रहे ने, सारिया मोरियां खुल गईयां ने और सारों पासे अमृत दे बदले पॉइजनस थॉट्स एंटर करी जा रही, क्योंकि मेरी सुरत गलत पासे लगी हुई है और सच सुन नहीं रही। जदों असी सच नहीं सुनते हैं ना तो अज दे सैमीनार च असी उस सच का नाम रखिया इनर वॉइस। तुर की बाणी खुदाई पैगाम